नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। साउथ कोरिया और जापान के बीच समुद्र में एक जहाज डूब गया है। बेहद बुरी खबर, 17 लोगों की तलाश जारी है। दक्षिण कोरिया और जापान के बीच समुद्र में बुधवार सुबह एक मालवाहक जहाज डूब गया है, जिसमें सवार चालक दल के 5 सदस्यों को बचा लिया है, जबकि 17 लोग लापता हो गए हैं। दक्षिण कोरिया के अधिकारी ने जानकारी दी है कि दक्षिण कोरिया द्वीप जेजू के एक तटरक्षक ने बताया कि 6,551 टन के जिन तियान जहाज के समुद्र में डूबने के बाद मौजूद अन्य जहाजों पर सवार लोगों ने चालक दल के 5 सदस्यों को बचा लिया है। उन्होंने बताया कि जहाज पर हांगकांग का झंडा लगा था। इस पर सवार चालक दल के सदस्यों में से 14 चीन के और 8 म्यांमार के नागरिक हैं। नौका के कैप्टन ने मंगलवार देर रात 2:41 पर आखिरी बार तटरक्षक से संपर्क किया था और बताया कि चालक दल के सदस्य नौका छोड़ रहे हैं। घटनास्थल पर तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। यहां दोस्तों, जापानी तटरक्षक जहाज और विमान पास के वाणिज्यिक जहाजों के साथ जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पूरा का पूरा जहाज दोस्तों डूब गया है, जिसमें वजन बताया जा रहा है कि 6,551 टन है।